वेलकम बैक गाइज, होप यू हैविंग अ अमेजिंग डे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लेंडिंग स्टम्प घर पे कैसे बना सकते हो, आपको फायर मटेरियल्स चाहिए और वो इजीली घर पे अवेलेबल हो सकते हैं। फर्स्ट आपको A4 साइज का पेपर लेना है और आपके पास जो भी नॉर्मल पेपर है वो ले लेना है, ड्राइंग पेपर, बट पेपर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। और कटर से उसको दो पार्ट में कट कर लेना है। मेरे पास बड़ा पेपर था तो उसे मैंने दो पार्ट में कट कर लिया। अब पेपर के कॉर्नर को 1 इंच छोड़ के से फोल्ड करना है, फिर बाद में कटर लेकर उस पार्ट को कट करना है दोनों पेपर का। आप कितने भी पेपर यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप कितने ब्लेंडिंग स्टम्प बनाना चाहते हो। तो इसी तरह से आपको कट करना है और कट करने के बाद जो बचा हुआ कागज है वो वेस्ट कागज है, उसका कुछ यूज नहीं है तो उसे बाजू में रख देना है। और यहाँ पे आपको कट हुए दो पेपर दिख रहे हैं तो एक बाजू में रख दिया मैंने। अभी इस पेपर को हमको राउंडिश शेप देना है तो आप रूलर यूज करना है, रूलर उसके ऊपर रख के राइट साइड से उसको खींच लेना है। ज्यादा जोर से भी नहीं खींचना है कि पेपर फट जाए, आराम से खींचना है और थोड़ा प्रेशर रख के खींचना है। तो ऐसा वो शेप आ जाएगा। रोल करना है, जितना हो सके उतना टाइट रोल करना है और थोड़ा सा राइट साइड में पार्ट छोड़ते जाना है, क्योंकि आपको पॉइंट वाला ब्लेंडिंग स्टम्प बनाना है तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको। तो ऐसे रोल करना है और पेपर टेप से उसे चिपका देना है साइड से, तो वो शेप होल्ड करके रख। तो आपको कटर लेके स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसे कट करना है। अब जितना गैप रहेगा उतना कट कर लेना है, जब तक आपको पूरा वो फिल पार्ट नहीं दिख रहा है तब तक उसे कट कर लेना है। अभी मैं दूसरा ब्लेंडिंग स्टम्प बना चुका हूँ, दोनों ब्लेंडिंग स्टम्प रेडी है और जो लेफ्ट साइड में रखे हुए हैं वो ऑलरेडी मैंने बनाए थे। यहाँ पे दो ब्लेंडिंग स्टम्प है और ये टोटल 4 ब्लेंडिंग स्टम्प रेडी है। तो आपको अभी सैंड पेपर लेना है और सैंड पेपर की मदद से उसे जो शेप आपको देना है ब्लेंडिंग स्टम्प का, वो जो पॉइंट है उसको शेप देना है सैंड पेपर से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसे घुमा के पीछे खींच रहा हूँ, ऐसे ही आपको करना है उसे बराबर से, फिर वो शेप आ जाएगा इक्वली। तो अभी मैं पॉइंटी वाला बना रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प, तो सैंड पेपर यूज करके उसे शेप देना है। यहाँ पे मैं जो राउंड वाला ब्लेंडिंग स्टम्प बना रहा हूँ उसे मैं ऐसे सैंड पेपर से घिस रहा हूँ कि वो राउंड शेप आ जाएगा इजिली। तो आपको इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 to 8 minutes लग जाएंगे, तो ये इसे करते जाना है। हमारे ब्लेंडिंग स्टम्प्स रेडी है, तो अब मैं आपको इसे कैसे ब्लेंड करना है और कैसे ब्लेंड हो रहा है वो दिखाऊंगा। मैकेनिकल पेंसिल से शेडिंग सील से मैं एक बॉक्स को शेड करूंगा और दूसरे बॉक्स को मैं 10B से शेड कर लूंगा, फिर बाद में देखेंगे कि ये किस तरह से ब्लेंडिंग स्टम्प। तो अब शेडिंग हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे ब्लेंड हो रहा है। तो आप देख सकते हो तरह से वो ब्लेंड हो रहा है वेरी स्मूथली, आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं यूज करना है और धीरे धीरे ब्लेंड करते जाना है, तो अच्छे से ब्लेंड होता है। देखो कितना अच्छे से ब्लेंड हो रहा है वेरी स्मूथली। तो आप भी ऐसा ब्लेंडिंग स्टम्प बना सकते हो, आप कोई भी पेपर यूज कर सकते हो, बट
और थिक पेपर से अच्छा ब्लेंडिंग स्टम्प बन सकता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप थिक पेपर यूज करो ब्लेंडिंग स्टम्प के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो पाता है उससे, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और आप कोई भी पेपर यूज कर सकते वैसे तो, बट थिक पेपर अच्छा रहेगा। न्यूज पेपर मत यूज करना, न्यूज पेपर बहुत पतला होता है, उससे बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ड्राइंग पेपर और नोटबुक का पेपर भी चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरा जो पेंसिल किट वाला जो मैंने अनबॉक्सिंग की थी उसको ओवर 20,000 व्यूज है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।